सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा मौजूद है ईमानों के लिहाज से इस्म की किस्में। ईमानों के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? ईमानों के लिहाज से इस्म की चार किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। ईमानों के लिहाज से इस्म की चार किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। पहले हम देखेंगे इसमें मारफा। इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाम कहा जाता है, प्रॉपर नाम भी इसे कहते हैं। इसमें मारफा वो इस्म है, मारफा वो इस्म है जो किसी खास चीज, जगह या किसी नाम को जाहिर करे। इसमें मारफा वो इस्म है जो किसी खास चीज, जगह या किसी नाम को जाहिर करे। नाम को जाहिर करे जैसे गालिब, कश्मीर, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें मारफा वो इस्म है जो किसी खास चीज, जगह या किसी नाम को जाहिर करे। इसमें नकरा, इसमें नकरा वो इसम है जो किसी आम जगह, चीज या किसी नाम को करें। इसे प्रॉपर नाम कहा जाता है, प्रॉपर नाम भी कहते हैं। इसमें नकरा वो इसम है जो किसी आम जगह, चीज या किसी नाम को जाहिर करे जैसे लड़का, गांव, घोड़ा वगैरह, इसमें नकरा वो इसम है जो किसी नाम, जगह, चीज या नाम किसी नाम को जाहिर करे जैसे लड़का, गांव, घोड़ा, गाड़ी वगैरह वगैरह। इसमें इशारा, वो इसमें है जो इशारा Thank you.
जैसे वो लड़का ये गाड़ी इसमें इशारा वो शब्द है जो किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वो लड़का वो गाड़ी ये कुर्सी इसमें मौसूल चौथी किस्म इसमें मौसूल वो इसम है जिसमें जब कोई और जुमला न शामिल किया जाए उस वक्त तक माने न निकलते हो के साथ जब और कोई जुमला न लगाया जाए पूरे माने नहीं इसमें निकलते हैं। जैसे जिस शख्स ने चोरी की वो करीम अहमद का बेटा है, जिस शख्स ने चोरी की वो किसका बेटा है, करीम अहमद का बेटा है। तो इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें इशारा और इसमें मौसूल मानों के लिहाज से सिर्फ चार किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें इशारा और इसमें मौसूल।